एक पे पापा उठ के चार डिग्री में शावर लेने जा रहा हूँ आज एक पे पापा उठ के। तो हाँ अभी मतलब 4 डिग्री हो रहा है और आज अभी पेपर है 8:30 9 बजे। 4 डिग्री के नीचे लिखा रहा है इंटरमिटेंट क्लाउड्स। लेट्स सर्च इंटरमिटेंट होता क्या है। इंटरमिटेंट तो अभी मैं शावर लेके वापस आता हूँ और एक गर्मा गर्म कॉफी बना के देंगे मुझे मानी भाई और फिर पेपर। अगर आज से 7 दिन पहले मैं ये नहा के आके ये सीन करता ना तो अन्य बाल होते हैं, लेकिन अब नहीं है। बट आई कैन शो यू समथिंग एल्स। दिस गाय हैज गॉट सम रियली ग्रेट हेयर्स। क्या जी जरा बाल तो हिलाएं, क्या जी बाल तो हिलाएं जरा। ये अच्छी अंधी बातें हुई मानी भाई ना के वापस आ गए। मानी भाई हेलो, मानी भाई बाल दिखा दो, मेरी कॉफी बचा के बाल दिखाओ। असल में मैं कॉफ़ी सही बना नहीं रहा था, इसलिए मानी भाई मेरी मदद कर रहे हैं कॉफ़ी बनाने में। तो आप लोगों को मसला है नहीं, पेपर है मेरा, सुना इसका भी है, इसकी सारी तैयारी हुई है ना। तो यार अभी हो रहे हैं तकरीबन 8:23 और मैं डिपार्टमेंट जा रहा हूँ व्लॉग बनाता हुआ। तो पेपर है 9 बजे और हाँ अब मुझे डिपार्टमेंट जाके थोड़ी सी तैयारी करनी है और उसके बाद पेपर दे के फिर आपसे अगली बातें करते हैं। तो अभी सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा है, मतलब मौसम प्यारा नहीं है, ठंड ज़्यादा मज़े की है। तो दैट्स इट। अच्छा तो यार अभी ना तकरीबन 11 बजने वाले हैं, 11:02 हैं और मेरी आंखें धूप से चुंधिया रही हैं, इतनी ज़्यादा धूप है। तो पेपर ख़त्म होने में 2 मिनट हैं, मैं 5 मिनट पहले निकल आया था। बाकी को अभी मैं बाकियों का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपसे अगले सीन में मिलते हैं। दैट्स उमर गोंदल राइट देयर। दिस बाबा जी। तो यार इट्स ऑलमोस्ट 4:50 और आज का पेपर बड़ा फिट हो गया। तो अभी खाना शाना खाते हैं, इतने आप देखें ये सूरज का नीचे जाने का टाइम लैप्स और हमारे ऊपर जाने का वक्त हुआ जाता है। तो यार देखो आज फ्राइडे, आज फिर मेरा पेपर है, लेकिन लेट मी शो यू समथिंग एल्स। देखो ना ओ, ओ, ये ग्राउंड इतना सफ़ेद क्यों है,
क्योंकि ये चारों तरफ कोरा ही कोरा है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। पेपर में बगैर खाए पिए जाना ना गलत बात है, तो इसलिए मैं पिछली बार नहीं खा के गया था, लेकिन अब खा के जाता हूँ। तो पिछली बार भी पेपर तो अच्छा हुआ था, लेकिन आज भी इंशाल्लाह उम्मीद तो है अच्छा होगा। तो खाने का वेट कर रहा हूँ, नाश्ते का। देखो पेपर हो गया और मुझे उनका वेट करना है, तो चलो उनका वेट करते हैं। अच्छा तो यार देखो, मैं स्टूडियो में तकरीबन कोई वही हफ्ते बाद वापस आया हूँ, और आज स्टूडियो में मेरा स्टूडियो देखने मेरा दोस्त आया हुआ है। तो एक मिनट मैं दिखाता हूँ, मुझे बहुत नीचे होना पड़ा, उसको भी होना पड़ेगा। अच्छा तो मैं ना स्टूडियो आया हूँ एक हफ्ते बाद, और स्टूडियो में बैठ के ब्लॉग की एंडिंग तो बनती थी, लेकिन आज स्टूडियो देखने और मेरा दिन बेहतर करने मेरे पास आया हुआ है मेरा अपना दोस्त। आजो आजो, आगे आगे आगे। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है रज़ा रहमान। ठीक है, ये अपनी शक्ल छुपाता था, साइड को ये ज़्यादा प्यारा है ना, दरअसल ये शक्ल छुपाता है। और अब इसको मैं स्टूडियो का सेटअप दिखाने, इसको समझ नहीं अभी अभी इसको शशका तो अब ऑन होगा ना, तो इसका लाइव रिएक्शन, और देट वुड बी द एंड ऑफ दिस व्लॉग। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? अच्छा अच्छा, तो देखो स्टूडियो में आके रजा भाई क्या कहते हैं। रजा हाँ बता, कैसा लग रहा है? कहता हूँ बड़ा लेवल किस्म का तूने स्टूडियो बनाया है। मुझे लाइटिंग यार बड़ी लेवल की लगी है। और ये इसका नाम तूने क्या रखा था? विलन। विलन, ये विलन है। अच्छा नाम लिखा भी हुआ। हाँ यार, ये जो विलन है ये तो मेरे पाँव का साइज भी नहीं है। विलन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? यार विलन मैं जब चला के देखूंगा तो मुझे पता चलेगा। बस अभी चलाने ट्राई करनी है। नहीं माफी दे, तो मुझे घर भी जाने में। तो क्या कहते हैं रजा, अभी ट्राई करेगा? करता है, चल चाहे ट्राई तो चल है, पागल है। कुतरा में गिरा ना चेयर साइड पे, विलन तोड़ना है।